जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा एक फ्रांसीसी भारतीय एविएटर, उद्योगपति, उद्यमी और टाटा समूह के अध्यक्ष थे। भारत के टाटा परिवार में जन्मे वे प्रसिद्ध व्यवसायी रतनजी दादा भाई टाटा और उनकी पत्नी सुजैन ब्रियरे के पुत्र थे। एयर इंडिया के संस्थापक कौन थे? 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन अधिनियम पारित किया और टाटा संस से वाहक में बहुमत हिस्सेदारी खरीदी, हालांकि इसके संस्थापक जेआरडी टाटा 1977 तक अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। एयर इंडिया के सीईओ कौन हैं? कैंपबेल विल्सन 16 जून 2022 से एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं। वह पहले सिंगापुर की कम लागत वाली एयरलाइन स्कूटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। उन्हें 18 जुलाई 2001 को एयरलाइन का संस्थापक सदस्य नियुक्त किया गया था। एयर इंडिया की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1932 में एयर इंडिया की यात्रा ने उड़ान भरी जब भारत रत्न जे आर डी टाटा ने अपने सपने को साकार करते हुए एक एयरलाइन बनाई। टाटा ने एयर इंडिया को क्यों खरीदा? एयरलाइन के पूर्व कार्यकारी निदेशक जितेंद्र भार्गव के अनुसार एयर इंडिया अपने असंगत सेवा मानकों, कम विमान उपयोग, समय पर निराशाजनक प्रदर्शन, पुरातन उत्पादकता मानदंडों, राजस्व सृजन कौशल की कमी और असंतोषजनक सार्वजनिक धारणा के लिए पीड़ित है। एयर इंडिया का वेतन क्या है? हैंडीमैन के लिए एयर इंडिया का औसत मासिक वेतन लगभग 15,399 रुपए प्रति माह से लेकर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए 1,33,526 रुपए प्रति माह तक है। एयर इंडिया का औसत वेतन एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए लगभग 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष से लेकर परीक्षक के लिए 8,33,000 रुपए प्रति वर्ष तक है। क्यों फेल हुई एयर इंडिया? नए विमानों की खरीद और द्विपक्षीय अधिकारों के उदारीकरण के साथ साथ दो राष्ट्रीय वाहकों का विलय एयर इंडिया के पतन के कारण हैं।